गूगल होम। गूगल होम के बारे में आपने काफी बार सुना होगा। गूगल होम क्या है? गूगल होम एक वाईफाई एनेबल स्पीकर है जो पर्सनल असिस्टेंट का भी काम करता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गूगल असिस्टेंट ऑलरेडी इनबिल्ट है, जो गूगल की सर्विसेज है, और आप अपने वॉइस कमांड के थ्रू इससे इंटरेक्ट करके इसके सर्विसेज अवेल कर सकते हो। चलिए आज के इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और इसका एक छोटा सा रिव्यू करूंगा। तो ये है गूगल होम की पैकेजिंग। लेट्स क्विकली ओपन द बॉक्स। इसका जो डिज़ाइन है गूगल होम का, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ यूज़र गाइड और मैनुअल्स मिल जाते हैं और एक एडाप्टर है। इसका बेस जो है वो रिप्लेसेबल है और इस तरह से ओपन होता है। इसमें बहुत से कलर्स अवेलेबल हैं, आप अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से इसके बेस को चेंज कर सकते हो। टू स्टार्ट ऑफ विथ, आपको गूगल होम एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, गूगल का खुद का एप्लीकेशन है, उसे आपको डाउनलोड करना है और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और सेटअप करना है। गूगल होम की खास बात यह है कि इसका जो माइक है बहुत ही पावरफुल है और इसमें फार फील्ड वॉइस रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी दे रखी है, जिसके कारण ये होता है कि आप घर के किसी भी कोने में बैठे वॉइस कमांड दोगे तो इसे सुनाई देगा और बहुत ही क्लियर सुनाई देगा और अच्छे से सुनाई देगा। अभी तो ये तो बहुत ही पास है और मैं बोल रहा हूँ हे गूगल, तो इसे सुनाई दे रहा है, बट दूर बैठे बैठे भी इसे सुनाई देगा। ओके गूगल, कैन यू हियर मी? लाउड एंड क्लियर। ओके गूगल, कैन यू हियर मी? लाउड एंड क्लियर। ये गूगल होम जो है इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये प्रॉपर गूगल असिस्टेंट है। गूगल होम से आप कुछ भी सवाल पूछोगे तो उसका जवाब तो आपको मिल ही जाएगा, बट इसके ऐप में अगर आप जाओगे तो होम कंट्रोल करके एक चीज़ दे रखी है जिसमें आप स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स को लिंक कर सकते हो और उस प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो वॉइस कमांड्स के थ्रू। जैसे कि फिलिप्स की LED लाइट्स वगैरह हो गई, आप बंद चालू करने के लिए वॉइस कमांड के थ्रू बंद चालू कर सकते हो। प्लस रूटीन्स भी दे रखे हैं, आपको गुड मॉर्निंग बोलने पर क्या जवाब मिलना चाहिए या गुड नाइट बोलने पर या गुड आफ्टरनून बोलने पर क्या जवाब मिलना चाहिए गूगल होम के थ्रू, वो आप रूटीन सेट कर सकते हो। गूगल होम में आप अपने वॉइस कमांड के थ्रू कोई भी म्यूजिक प्ले कर सकते हो, भले ही वो बॉलीवुड हिट्स हो या हॉलीवुड के सॉन्ग्स हो, आप कोई भी म्यूजिक को प्ले कर सकते हो। बट इसमें एक और फीचर ये है कि इसमें क्रोमकास्ट इनबिल्ट है, तो आप अपने मोबाइल पे अगर गूगल प्ले ऐप, गूगल प्ले म्यूजिक ओपन करोगे तो इसमें कास्ट का आइकन दिखाई देगा, तो ये कास्ट के आइकन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली स्पीकर को कनेक्ट करके अपने फोन्स में जितने भी प्ले म्यूजिक में सॉन्ग्स हैं आप उसे प्ले कर सकते हो। सिमिलरली लैपटॉप पे अगर आपका प्ले म्यूजिक ऐप है तो उसे भी आप डायरेक्टली कास्ट कर सकते हो। जैसे लैपटॉप में यहाँ पे कास्टिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो ये कोई भी सॉन्ग मैं प्ले कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कास्टिंग का ऑप्शन है, तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर स्पीकर को कनेक्ट करके डायरेक्टली कास्ट कर रहा हूँ अपने गूगल होम पे। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है साउंड वगैरह इसका गूगल होम का, डायरेक्टली आप वॉइस कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि हे गूगल, लोअर दी वॉल्यूम टू 50%। तो ये 50% पे आ गया। हे गूगल, लोअर दी वॉल्यूम टू 0%। तो ये 0% पे आ गया। हे गूगल, increase the volume to 100%। Hey Google, decrease the volume to 50%। इसके अलावा आप इसको, इसका जो टच पैड है इससे भी वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ये टच पैड का काम करता है, तो यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हो। प्लस प्ले पॉज भी है, ये प्रेस करने पे पॉज हो जाएगा और ये प्रेस करने पे प्ले हो जाएगा। सिमिलरली वॉइस कमांड के थ्रू आप प्ले और पॉज कर सकते हैं। आप इसमें सिर्फ गाने नहीं सुन सकते हो, इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो, आप नियर बाई स्टोर्स की जानकारी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हे गूगल, व्हाट्स द टाइम इन लंदन? द टाइम इन लंदन UK इज 11:24 AM। हे गूगल, सेट एन अलार्म फॉर 7 AM। There, your alarm set for tomorrow at 7 AM. Hey Google, what's on my reminder? You have one reminder today to make a video on Google Home for March 21st, 2018 at 5 PM.
You can even ask funny questions to Google Home, like, hey Google, where do you live? You can find me in all kinds of devices. Phones, Google Home, pretty sweet digs if you ask me. Hey Google, who's your first crush? I'm not the kind of assistant who kisses and tells. Hey Google, what's on my shopping list? You have two items on your shopping list, Nike shoes and Sony RX100. Can you laugh? Hey Google, how much time it will take for me to reach Bandra? With heavy traffic, it will take 59 minutes to drive to Bandra West. Tell me the address of Mahesh Telecom. The address for Mahesh Telecom is Mahesh Telecom, Lal Bahadur Shastri Marg, Mullen West, Shop Number 13, Zeni, next to Santosh. मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट है Google Home, ये US से इंपोर्ट किया हुआ है, इंडिया में अभी तक फिलहाल अवेलेबल नहीं हुआ है, but बहुत जल्द इंडिया में अवेलेबल होने वाला है। तो इसमें काफी सारे फीचर्स एक्टिवेटेड नहीं है, जैसे कि आप इसमें कॉल नहीं कर सकते हो, मैसेज नहीं भेज सकते हो, तो ये सब अभी फिलहाल स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए ही एक्टिवेटेड है। तो जब इंडिया में शायद लॉन्च हो जाए तो ये सब फीचर्स इसमें एक्टिवेट हो जाएंगे। और इसमें आप यूट्यूब का म्यूज़िक नहीं प्ले कर सकते हो, क्योंकि यूएस में जो है यूट्यूब रेड चलता है और यूट्यूब रेड का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बट 6 मंथ्स आपको इसमें फ्री मिलता है। तो इंडिया में अभी ये फिलहाल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यूट्यूब के म्यूज़िक को नहीं प्ले कर सकते हो। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसका डिज़ाइन भी अच्छा है, दिखने में काफ़ी अच्छा है, और इसकी जो स्पीकर की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, हाई फिडेलिटी साउंड है, और इसमें जो माइक दे रखे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और फार फील्ड वॉइस रिकग्निशन के कारण आप दूर बैठे बैठे भी इससे बात करोगे तो इसे अच्छे से सुनाई देगा।